जी बच्चों की फीस नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का तलाक हो गया, उसमें एक ये भी है, हैंडीकैप्ड है वो, ये है, ये तो एक है, बहुत सारी लड़कियां इसमें है, विडोज है, ज्यादा उजरत नहीं है हमारी, 2500 है, लेकिन इसमें भी उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की है। अब कहते हैं बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देखो कितनी बेटियां सड़क पे आ गई है, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, सरकार कैसे सिकी 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 उसके लिए मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी उज्जत क्यों नहीं दे रहे हैं। हम आला अफसरों से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी पे रिलीज की जाए 15 दिन के अंदर अंदर, अगर हमारी पे रिलीज नहीं हुई हम हमारा आगे का धरना सेक्रेटरी के आगे होगा, उसके जिम्मेदार हमारे आला अफसर होंगे, उसके सारे ICDS होगा, आला अफसर होंगे जी, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारी तनख्वाह बंद है, इसलिए क्योंकि हमारा पूरा गुजारा इसी पे है, क्योंकि हमें तनख्वाह नहीं छोड़ रहे, बार बार मजबूर कर रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट हमें सड़क पे आने के लिए, आप देखिए मैं किस हालत में आई हूँ यहाँ पे, ताकि हम बार बार कह रहे हैं जी जी, बार बार कहते हैं हम कि हमें तनख्वाह छोड़ो, हर कोई अफसर बोलता है कोई बात नहीं है तनख्वाह छोड़ेंगे, मगर 3 साल से कुछ नहीं कर रहे, खाली देख रहे हैं और कुछ नहीं, कैसे मरेंगे ये जी, बहुत ज्यादा हमारा गुजारा इसी पे होता है, इसी पे पूरा 3 साल बंद है, हम काम भी करते हैं जाते भी हैं ऑफिस बीच बीच में, मगर उसके बावजूद भी हमें तनख्वाह नहीं छोड़ रहे, देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका पूरा घर चल रहा है इसी पे, बस सर हमारा यही रिक्वायरमेंट।